नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे खूबसूरत स्थल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कूर्ग में स्थित है और जिसका नाम है आवे वाटरफॉल। कूर्ग कर्नाटक का एक प्राकृतिक स्वर्ग है जहाँ पर आपको प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेने मिलेगा। आवे वाटरफॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पर शांत जलवायु और प्रकृति का सौंदर्य आपको आपका जिंदगी का सबसे सुकून देगा, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो चलिए आज का जर्नी शुरू करेंगे। रात को की हुई लंबी सफ़र और रास्तों पर किए गए यात्रिकों को छोड़कर अब हम सीधे चलते हैं हमारा डेस्टिनेशन मुख्य उद्देश्य, दैट इज आवे वाटरफॉल की तरह। थैंक यू दोस्तों। देखिए, ये है वही खूबसूरत स्थल जहाँ पर प्रकृति का सौंदर्य एक अद्भुत रूप में प्रस्तुत होता है। आवे वाटरफॉल पहुँचकर हमने पहली बात तो एक छोटी सी दुकान पर रुकी जहाँ पर हमने एक आम नारियल से निकला जल पिया। वो नारियल का पानी हमारे थकों के दूर करने में मददगार था और इस सफ़र को और भी अनोखा बना दिया। टिकट काउंटर से एंट्री लेते हैं हमने वाटरफॉल की और कदम बढ़ने का सफ़र शुरू किया। यह सफ़र एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक हमारे विचार, दृश्य और अनुभव को बदल देता है। हमने टिकट काउंटर से वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए लंबी संगमरमर के सीढ़ियों की तरह उतरना पड़ा। यह सीढ़ियों की चीजें बदल देता है, हमारे दृष्टि को वाटरफॉल की ओर खींचते हैं और हमने हमारे मन को प्रकृति के साथ एक होने का एहसास दिलाता है। सीढ़ियों के हर कदम पर वाटरफॉल का दृश्य हमारे सामने और भी निखार आता है। वाह, टिकट काउंटर से वाटरफॉल तक का ये सफ़र लगभग 200 मीटर की दूरी पर स्थित है, लेकिन ये 200 मीटर आपके लिए एक प्राकृतिक अद्भुत सफर बन जाता है। आवे वाटरफॉल पहुंचने के बाद आपके सामने खूबसूरत झरना का दृश्य तो होगा ही होगा, लेकिन इस जगह के और भी अनोखे महत्वपूर्ण आकर्षण हैं, जैसा कि कॉफ़ी और कैडमियम का बगीचा। यहाँ पर आपको कहीं कहीं कॉफ़ी और कैडमियम के महक फैल रही होगी। इस खूबसूरत महक को महसूस करोगे फिर भी आगे चलोगे। वो जो आवे वाटरफॉल बैंगलोर से 250 किलोमीटर दूरी पर है, वो जो मडिकेरी टाउन कूर्ग का सेंटर में, सब विजिटर यहाँ पे रहने के लिए पसंद करते हैं। इसका जो प्राकृतिक सौंदर्य को डे टाइम और रात को भी उपभोग करने के लिए। ये देखिए,
आबे वाटरफॉल का सौंदर्य, जिसके पानी के झील नीचे गिर रहे हैं, एक ऐसी प्राकृतिक चमक है जो रात के भी अंधेरे में अपनी खूबसूरती को बना रहे हैं।